hello students and welcome back to bankexamstudy.com. i hope you have already started your preparations for sbi cbo 2024 exam. Uh, the notification will be 23 may, exam 24 may, and today we are going to discuss 5-week study plan. how you can start your preparation and how you can complete your preparations in 5 weeks. yes, it is possible. i'm going to provide you a lot of great insights. so, my name is ramandeep singh, and i've been teaching on bank exam study from last 12 years.

फॉर्ट जनरल कैटेगरी ठीक है इफ यू आर एबल टू स्कोर नाइन्टी प्लस ऑब्जेक्टिव पेपर और डिस्क्रिप्टिव पेपर को दोनों मिला के इफ यू आर एबल टू स्कोर नाइन्टी प्लस नाइन्टी नाइनटी टू नाइन्टी थ्री दैट वुड बी अ वेरी गुड स्कोर टू टू अचीव द फाइनल सिलेक्शन तो नाइन्टी प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं किसी भी टेस्ट सीरीज में किसी भी अच्छी टेस्ट सीरीज में uh, तो सिलेक्शन लेने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं आपके ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द एग्जाम पैटर्न दर इज इंग्लिश लैंग्वेज बैंकिंग नॉलेज जनरल अवेयरनेस एंड देन कंप्यूटर ऐप्टीट्यूड ये जो कंप्यूटर ऐप्टीट्यूड है इसमें रीजनिंग अबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं पेपर में राइट लिखा कंप्यूटर ऐप्टीट्यूड है लेकिन बीस में से आप कह लो सत्रह अठारह क्वेश्चन रीजनिंग के ही हैं दो तीन क्वेश्चन कंप्यूटर ऐप्टीट्यूड के आते हैं ठीक है

जिसमें आपको एक एस लिखना है यू नीड टू राइट एन एस एंड यू नीड टू राइट अ लेटर दैट टू विद इन थर्टी मिनट्स नाउ टाइम मैनेजमेंट इज नॉट एन इशू इन द ऑब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या इशू आएगा कोई इशू नहीं है आप बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल अकोनमी इजीली थर्टी मिनट्स में कर सकते हो बैंकिंग नॉलेज ईजिली फोर्टी मिनट्स में कर सकते हो कंप्यूटर एप्टीट्यूड कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज ये सारे इजिल कर सकते हो जबकि थर्टी मिनट्स में ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग करना काइंड ऑफ डिफिकल्ट हो सकता है ठीक है सो द सिलेबस स्टूडेंट्स वीक वन एंड वीक टू में व्हाट आई रिकमेंड ऑल माई स्टूडेंट्स कि आप स्टार्ट करो आरबीआई सर्कुलर से लास्ट टू थ्री ईयर्स के आप आरबीआई सर्कुलर्स करोगे जिससे बहुत क्लैरिटी आएगी बैंकिंग में आपको यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ बैंकिंग टर्म्स लॉट ऑफ बैंकिंग प्रोसीजर्स प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग पढ़ोगे केवाई सीज पढ़ोगे आई आर ए सी नॉम्स पढ़ोगे सारे के सारे मास्टर सर्कुलर्स पढ़ोगे उससे बहुत सारी क्लारिटी आएगी राइट उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आई बी सी इंसॉल्वेंसी बैंक करपसी कोड सरफाइसी एक्ट आर बी आई एक्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन में आपका स्टैंप ड्यूटी एक्ट आ जाएगा लिमिटेशन एक्ट आ जाएगा राइट रजिस्ट्रेशन एक्ट आ जाएगा लास्ट देर वर थ्री क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन ओनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टली आफ्टर दैट आप बैंकिंग डायजस्ट पढ़िए स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2023 ट्वेंटी थ्री दैट्स वॉट आई पर्सनली रिकमेंड ओके इन द जनरल अवेयरनेस एंड जनरल अकोनमी सेकेंड जो सेकंड वीक में आपने करना है लिस्ट ऑफिचरीज पढ़ करंट अफेयर्स पढ़ने हैं आपने पिछले छः महीने के कोई भी ब्रांड अम्बेसडर्स का अपॉइंटमेंट है मंथली जीके के डाइजस्ट पढ़ी आप राइट गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर बैंकिंग एंड द जनरल जनरल अवेयरनेस राइट वो आपने सारी पढ़नी है गवर्नमेंट स्कीम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एज वेल फॉर जनरल अवेरनेस एज वेल international reports and indices, committees, uh, the foreign investment growth numbers, union budget, so right? mergers and acquisitions, heads of various financial uh, organizations, mutual funds, basel norms, derivatives, uh, basel norms, erba circular hai, regulatory organizations in india, joint military exercises, summits and conferences, ranks of india in, uh, in uh, international indices, and list of various appointments. uh, Right after that fourth week में I would highly recommend you do the practice of English language English language की practice में आप reading comprehension कीजिए para jumbles para completion वैसे if you are able to solve the RCs if you are doing RCs अगर आप RCs की practice कर रहे हो that should be more than sufficient क्योंकि vocabulary की की तैयारी करना बनता नहीं है क्या एक 500 वर्ड को मगअप करने की कोशिश करोगे उसका कोई खास फायदा होने नहीं वाला कोई फायदा नहीं होता उसका सो so, आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कीजिए और सेंटेंस इंप्रूवमेंट कीजिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और आ, आप पैरा जम्बल्स ये तीन टॉपिक ही आप अभी प्रैक्टिस करेंगे इसी से ही आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा एंड राइट टू एसेज एंड टू लेटर्स फ्रॉम फोर्थ वीक्स ऑनवर्ड्स या थर्ड वीक में भी आप कर सकते हो इफ़ यू नेवर राइट एन एस ए इफ़ यू ने लेटर बिफोर द एग्जाम आपका पेपर नहीं निकलेगा ठीक है अगर आपने कभी कोई ऐसे नहीं लिखा है लेटर कोई नहीं लिखा है तो आप पहली बार एग्जाम में जब अगर लिखने बैठते हो तो वो सही से लिखा ही नहीं जाएगा आपका पेपर नहीं निकलेगा ठीक है दैट थिंग यू नीड टू नोटिस क्या आप पहली बार एग्ज़ाम में लिखने जा रहे हो देखो 30 मिनट के अंदर विद इन थर्टी मिनट यू नीड टू राइट अ लेटर एंड यू नीड टू राइट एन एस टाइम भी पता ही नहीं चलेगा बीस मिनट में आपने ऐसे लिखना है पंद्रह बीस मिनट में और दस बारह मिनट में आपको लेटर लिखनी है आपको सोच के लिखना है प्लान करके लिखना है ऐसे तो कुछ भी रैंडमली नहीं, नहीं लिख सकते ना कुछ सोच विचार करके लिखोगे प्लान करोगे ऐसे अगर लिख रहे हो तो उसमें इंट्रोडक्शन है बॉडी पैराग्राफ्स है कंक्लूजन है सोच समझ के लिखोगे ऐसे तो नहीं लिख सकते ना तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है फॉर वेरियस काइंड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एसेज ठीक है ऐसे की भी टाइप्स है प्रोज एंड कॉन्स वाला आ जाता है कई में कई ऐसेज में आपका ओपिनियन मांगा जाता है किसी ऐसे में आपका ओपिनियन नहीं मांगा जाता राइट लेटर राइटिंग फॉर्मल लेटर हो सकती है इनफॉर्मल लेटर हो सकती है आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखते हो म्यूनसिपल कमिश्नर uh, को लिख रहे हो सो डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स आते हैं फॉर्मेट अलग है लेटर राइटिंग में अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं है तो दिक्कत है ठीक है तो ये सारा करके चले इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर देन इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्जाम आई हैव नोटिस वन थिंग कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर आपका फिफ्टी मार्क देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है आप मान लीजिए वन ट्वेंटी में से आपने ले लिए लाइक सिक्सटी से सिक्सटी सिक्सटी फाइव मार्क्स विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड मार्क्स पचास साठ नंबर आपने ले लिए विच इट्स अ गुड मार्क अभी ये वाले पचास में से अगर यू आर एबल टू स्कोर थर्टी मार्क्स या ट्वेंटी फाइव मार्क्स Only then you you'll be getting the selection. Otherwise, अगर ये पचास में से आपके दस मार्क्स आते हैं और बारह मार्क्स आते हैं, पंद्रह मार्क्स आते हैं डिस्क्रिप्टिव के, तो आपका टोटल बनेगा सत्तर पचास तर, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। If you do not write an essay, if you do not write a letter, if you do not do your practice for descriptive paper, it is near to impossible to crack this exam if you are an average student. ठीक है एवरेज स्टूडेंट ये एग्जाम ईजिली क्रैक कर सकता है अगर वो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करे अगर वो आर के सर्कुलर्स पढ़े अगर वो लॉज को अच्छी तरीके से पढ़े अगर वो गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से पढ़े अगर वो बैंकिंग डाइजेस्ट हमारा अच्छे से पढ़े कंप्यूटर नॉलेज में से दो तीन क्वेश्चन आते हैं हार्डली कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स इंटरनेट टर्म्स एम ऑफिस इसको ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है एक दिन पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता एक दो क्वेश्चन आते हैं ठीक है उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी आप तैयारी करें राइट right? uh, ज़्यादातर जो है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में से क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके क्वेश्चन आते हैं इन इक्वालिटी से सीरीज मशीन इनपुट आउटपुट ब्लड रिलेशन कोडिंग डी कोडिंग डायरेक्शन सेंस टेस्ट एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेचर्स इसमें से क्वेश्चन आते हैं ये वाले टॉपिक्स आप करें और राइट टू एसेज एंड टू लेटर्स इन दिस वीक इफ यू कैन राइट लाइक फाइव एसेज एंड फाइव लेटर्स दैट विल बी ग्रेट आप आ, पूरे का पूरा वीक भी अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर को दे सकते हैं दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वेरी गुड व्हाई आई एम आस्किंग यू टू राइट टू एसेज एंड टू लेटर्स एवरी वीक या हो ज्यादा कर सकते हैं तो वो भी कर लें बिकॉज दैट वुड हेल्प यू फॉर श्योर वो आपको हेल्प करेगा ओके दैट वुड हेल्प यू फॉर श्योर इन द फाइनल एग्जाम जो भी आप जो आप एग्जाम फाइनल दोगे उसमें आपके स्कोर्स पे एक इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा ओके okay? राइट फाइव एसेज एंड फाइव लेटर्स इन एवरी वीक उसके बाद मॉक टेस्ट लेने बहुत जरूरी हैं इफ़ यू आर नॉट टेकिंग मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर और डिस्क्रिप्टिव पेपर का मॉक टेस्ट लें एंड आस्क योर फ्रेंड और यू नो डियर वन की वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक करें कोई नहीं मिलता मुझसे करवाएं आई चेक यूर डिस्क्रिप्टिव मॉक डिस्क्रिप्टिव एस ए आई चेक यूर लेटर एंड आई गिव यू मार्क्स एंड राइट थ्री लेटर्स एंड थ्री एसेज अगेन हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर दस ऐसे लिख लो और दस लेटर्स लिख लो टोटल आप बीस कैसे और बीस लेटर अगर आप लिखते हो तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट एंड यू नीड टू टेक एट लीस्ट एट लीस्ट फाइव मॉर्स फाइव फुल लेंथ मॉक्स एट लीस्ट इफ़ यू कैन टेक टेन ट्वेल्थ दैट इज एवन बेटर ओके लेकिन एक दिन में एक ही मॉक करें अदरवाइज अच्छे से कर नहीं पाएंगे क्योंकि मॉक करेंगे कोई गलती अपनी देख नहीं पाएंगे तो बात बनेगी नहीं ठीक है कोई नहीं कोई नहीं सो स्टूडेंट्स एस बी आई सी बी ओ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कॉर्स इज अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम डॉट कॉम वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट वीडियो क्लासेज द नोट्स द लाइव सेशन द टेस्ट सीरीज वीकली इज एन इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑन अ डैशबोर्ड लिंक टू ज्वाइन द कॉर्स इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन राइट So, list of our successful students—all these students who took our courses in the past and they cracked their respective exams—and I'm really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts on the discussion boards, on the comment section, or you can uh, post your uh, doubts on my WhatsApp number, and I'm going to answer your doubts. This is my personal WhatsApp number, and that's all for today, students. Thank you, and have a very nice day. Bye, bye.